सरकारी बैंकों में हड़ताल का असर बिहार झारखंड के सभी जिलों में देखने को मिल रहा है। औरंगाबाद, नालंदा, देवघर और शेखपुरा की तस्वीरें आप देख रहे हैं। यहां बैंक कर्मियों ने कामकाज ठप रखा है। इस दौरान कई जगहों पर बैंक कर्मियों ने रैली भी निकाली, तो कई जगहों पर शाखा के बाहर प्रदर्शन किया। आप जैसा कि हमारी टीवी स्क्रीन पे देख सकते हैं, औरंगाबाद, शेखपुरा, नालंदा, देवघर, ये सारे जगहों पर, सारे जिला में बिहार झारखंड के बैंक वाले, बैंक कर्मी प्रदर्शन कर रहे हैं। बैंक कर्मियों ने कामकाज ठप रखा हुआ है। इस दौरान कई जगहों पर बैंक कर्मियों ने रैली निकाली है, तो कई जगह शाखा के बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं। जी, हमारे साथ औरंगाबाद से मंटू जुड़ चुके हैं। मंटू, क्या कुछ माहौल है वहां पर प्रदर्शन का? जी, मैं बता दूं कि औरंगाबाद में प्रदर्शन अभी भी जारी है। दो दिवसीय बैंक कर्मी हड़ताल पर डटे हुए हैं, जिसमें शहर में पैदल मार्च कर और घूमते हुए अपने प्रदर्शन को जागरूक कर रहे हैं। और वही शाखा के पास, पीएनबी शाखा के पास अपने बैठकर और हड़ताल पर बैठे हुए हैं, नाराबाजी के कर रहे हैं कि सरकार से मांग कर रहे हैं कि जब तक हम लोग के मांग पूरा नहीं होता है तब हम लोग हड़ताल पर बैठे ही रहेंगे। जी मंटू, क्या आपकी आम लोगों से बात हुई है इस पर? आम लोगों का क्या कुछ कहना है हड़ताल को लेकर? वो निजीकरण के साथ है या फिर इसके खिलाफ है? आम लोगों के साथ तो हमें कहना है कि बैंक में जब जा रहे हैं तो बैंक में जाने के लिए बहुत परेशानी हो रही है। बैंक बंद है, एटीएम बंद है, लोगों में परेशानी, बहुत आक्रोश मिल रहा देखने में। जहाँ ग्रामीण लोग के साथ तो हमें कहना है कि सरकार ऐसे करते हैं तो इस पब्लिक के, आम पब्लिक पर एक गुजर रहा है। ऐसे में राजनीतिक तरह से लोग सरकार करती है कि राजनीतिक चुनाव करते हैं, उस पर नहीं कुछ करते हैं और बैंक पर करते हैं, जिसमें बैंक का भुगतना आम लोगों का पड़ता है। जी, तमाम जानकारियों के लिए शुक्रिया मंटू। तो आपको बता दें कि औरंगाबाद में भी बैंक कर्मियों ने हड़ताल कर रखा है, प्रदर्शन कर रहे हैं, जिससे आम लोग काफी प्रभावित हैं और वो बैंक में अपना काम नहीं करवा पा रहे हैं। पिछले शनिवार से बैंक बंद है और इससे आम लोग काफी प्रभावित हैं। और बैंक कर्मियों का कहना है कि जब तक सरकार उनकी मांगों को नहीं मानती है तब तक वो हड़ताल करेंगे और अगर जरूरत पड़ी तो अनिश्चितकाल हड़ताल पर भी जाएंगे। जी, तो आपको बता दें कि सरकारी बैंकों ने निजीकरण के खिलाफ देश भर में हड़ताल कर दिया है। आपको बता दें कि इस हड़ताल के चलते बैंक शाखाओं में पैसे निकालने और जमा करवाने जैसे कामों पर भी काफी असर देखने को मिल रहा है। इससे एटीएम भी प्रभावित है। को बता दें कि भारतीय स्टेट बैंक सहित कई सरकारी बैंकों ने ग्राहकों को पहले ही सूचित कर दिया था कि वो इस 2 दिन के हड़ताल पर जाने वाले हैं। जी, हमारे साथ नालंदा से राकेश जुड़ चुके हैं। राकेश, क्या कुछ माहौल है अभी वहां पर प्रदर्शन को लेकर? जी, लगता है हमारा संपर्क उनसे टूट चुका है। हम फिर से उनसे जुड़ने की कोशिश करेंगे। तो आपको बता दें कि निजीकरण के खिलाफ बैंक ने हड़ताल किया है। भारतीय स्टेट बैंक के साथ कई सरकारी बैंकों ने ग्राहकों को इसे पहले ही सूचित कर दिया था। जी, नालंदा से ऐसा धर्मेंद्र जुड़ चुके हैं। धर्मेंद्र, क्या कुछ स्थिति है अभी वहां पर? जी देखिए, सबसे पहली बात तो है कि शनिवार को सेकेंड सैटरडे और संडे बीच में आ गया और इसी दौरान 2 दिन की बैंक हड़ताल को लेकर ग्राहकों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। और वहीं
एक तरफ जहां बैंक वाले बोल रहे हैं कि हमने सभी ग्राहकों को सूचित कर दिया था कि 2 दिन की हड़ताल पे जाएंगे सभी कर्मी, परंतु आज के डेट में शादी का माहौल पूरे हिंदुस्तान में आया हुआ है और उस क्रम में पैसे की निकासी और रखने की प्रक्रिया तेजी से जारी रहता है, जिसको लेकर आज के डेट में जितने भी ग्राहक हैं सभी को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इतना ही नहीं बल्कि जितने भी एटीएम है धर्मेंद्र क्या कि आम लोगों से किसी से बात हुई है, किसी ग्राहक से जो बैंक में आए और उन्हें किस तरह से परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है इस हड़ताल की वजह से? हड़ताल की वजह से मैं पहले ही बता चुका हूँ कि बैंक हड़ताल होने के कारण जितने भी लोग हैं पैसे निकासी रखने के लिए एटीएम से पैसे निकालने के लिए आते हैं, घूमकर वापस चले जाते हैं, इसलिए कि सभी बैंक में ताले जड़े हुए हैं और सभी कर्मचारी हड़ताल पे गए हुए हैं। जी जी, तमाम जानकारियों के लिए शुक्रिया धर्मेंद्र। तो आपको बता दें, इस हड़ताल की वजह से सबसे ज्यादा आम जनता प्रभावित है। जी, तो आपको बता दें कि शेखपुरा से हमारे संवाददाता धर्मेंद्र ने जानकारी दी है कि वहां पर आम जनता किस तरह से बैंक बंद होने की वजह से, बैंक कर्मियों के हड़ताल पर जाने की वजह से आम जनता किस तरह से प्रभावित है। किस तरह बैंक कर्मी बैनर लेकर हड़ताल कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं सरकार के खिलाफ। जी, हमारे सहयोगी रंजीत जुड़ चुके हैं देवगढ़ से। रंजीत, क्या कुछ माहौल है अभी वहां पर? जी, मैं आपको बता दूं कि केंद्र सरकार के फैसले, लिए गए फैसले कि सरकारी बैंकों को निजीकरण को लेकर जो है आज बैंक कर्मी व बैंक अधिकारी हड़ताल पर चले गए हैं और उन्होंने आज विरोध प्रदर्शन भी किया है केंद्र सरकार के खिलाफ। उनका कहना है कि केंद्र सरकार द्वारा जो निर्णय लिया गया है बहुत गलत निर्णय लिया गया है, चूंकि सरकारी बैंकों का अगर निजीकरण कर दिया गया तो बहुत सारी सुविधाएं बैंक ग्राहकों को नहीं मिल पाएगा, जिससे काफी तकलीफ का सामना करना पड़ेगा। वहीं हम बता दें कि अभी 2 दिन का जो बंद रहेगा उससे काफी बैंक ग्राहकों को असुविधा होगी और बैंक के कार्य जो है पूरी तरह से ठप रहेंगे। जी जी, इस पे क्या आपकी आम लोगों से कुछ बात हुई? आम लोगों का इस पे क्या कुछ कहना है, इस निजीकरण को लेकर उनके क्या सुझाव है, वो इसके साथ है या फिर इसके खिलाफ है? कुछ लोग, आम लोगों की अगर बात करें तो उसमें 2 राय आ रही है सामने। कुछ लोगों का कहना है कि अगर निजीकरण होता है तो निश्चित तौर पर जो बैंक अधिकारी या कर्मी काम करने में जी चुराते हैं वो अच्छी तरह से काम निपटा पाएंगे और कस्टमर को सुविधा मिलेगी। वहीं कई लोग ऐसे हैं जो सरकारी सुविधा का लाभ चूंकि खाते में जाती है तो हो सकता है तो उनको इस सुविधा से वंचित रहना पड़ेगा। इसको लेकर कुछ लोग नाराज भी है कि अगर सरकारी बैंक को भी अगर निजी कर दिया गया तो ग्रामीण और कृषि से जुड़े जो भी किसान हैं उनको काफी असुविधा का सामना करना पड़ेगा। तो 2 बातें सामने आ रही है। जी जी, तमाम जानकारियों के लिए शुक्रिया। तो मैं आपको बता दूं कि देवघर में भी प्रदर्शन जारी है, बैंक कर्मी हड़ताल पर है और इस पे आम लोगों का भी कुछ ऐसा ही जी, हमारे साथ हमारे सहयोगी नालंदा से जुड़ चुके हैं। राकेश, क्या कुछ स्थिति है अभी वहां पर? जी नितामरा, बताना चाहूंगा स्थिति तो अभी फिलहाल नियंत्रण में ही है। सभी बैंक कर्मी ने घूम घूम कर पूरे शहर में इसका विरोध जताया है और सभी बैंकों को जाकर बंद करवाया है। जो भी बैंक खुले हुए थे सभी बैंकों को बंद करवा दिया गया है। हालांकि इससे जो भी हो पब्लिक को तो काफी परेशानी झेलनी पड़ रही है, सभी पब्लिक रेल पर घूम रहे हैं, बैंक बंद होने का काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है लोगों को। फिलहाल अभी प्रशासन तरफ से कोई भी आश्वासन इन्हें नहीं मिला है, अपनी मांगों को लेकर ये अड़े हुए हैं और सभी लोग स्थानीय अस्पताल चौराहा पर डटे हुए हैं कि भाई जब तक मांग पूरी नहीं होती है
या कुछ आश्वासन नहीं मिलता है तब तक हम लोग यहाँ से भी जाएंगे नहीं। और अभी तक प्रशासन की ओर से कोई भी या सरकार की तरफ से कोई भी आश्वासन उनको नहीं मिला है। हालांकि ये तो नालंदा के अलावा पूरे बिहार में इसका असर देखने को मिल रहा है। पूरे बिहार में बैंकों को बंद करके रखा है प्रदर्शनकारियों ने। जी, तमाम जानकारियों के लिए फिलहाल शुक्रिया राकेश, हम बने रहेंगे आपके साथ। तो आपको बता दें कि नालंदा से हमारे सहयोगी ने बताया कि बैंक कर्मियों ने वहां पर भी हड़ताल कर रखा है और आम जनता को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है बैंक बंद होने की वजह से। कैसे लोग प्रदर्शन कर रहे हैं सरकार के खिलाफ, वित्त मंत्री के खिलाफ हाय हाय के नारे लगा रहे हैं और सरकार से बात करने की कोशिश कर रहे हैं कि सरकार उन्हें आश्वासन दे कि सरकार ऐसा नहीं करेगी, तभी वो अपना हड़ताल बंद करेंगे, नहीं तो इनका ये हड़ताल दो दिन से आगे भी बढ़ सकता है। बैंक कर्मी, आपको बता दें कि लगभग 10 लाख बैंक कर्मी पूरे देश भर में आज हड़ताल पर हैं।